छोटो सा चुटकुलो है कि एक बार एक संगीतकार हो जना वो सतायु पार कर राम जी कन चलियो गो जना वो कोई प्रेती योनी में आएगो प्रेती योनी में आएगो जना एक पेड़ के माय न वो रिया कर तो जा एक गायककार हो कोई मेरे जिया को जो वो रियाज करवा अक्सर ही जंगल में जाते और बी पेड़ के नीचे बैठ सारे गा मा पा द नी सा सा नी द प म ग रे सा सा रे गा रे ग मा ग म प म प द प द नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा अलंकार याद कर तो लेकिन वह बेसुरा सुर में याद करतो जना अब संगीत को जानकार हालांकि प्रेतियो नीम फण बिक शिर बनना वा लाग जा तो एक दिन नीचे उतर और बोलियो मैं तेरे हाथ जोड़ूंगी तू अठे रियाज करवा मत आए अगर मेरो बहुत खून बड़े तू बेसुर हो गावे जना जना बोलियो ठीक है कोई नहीं आऊँ। अब वो प्रेत एक दिन बठियूर कोई राजकुमारी जारी ही वन विहार खातर जना बिने राजकुमारी में रलगो रलगो दूर दूर का वैद बुलाया डॉक्टर बुलाया जो भी हकीम नीम से बुलाया लेकिन साहिब बोल नहीं खड़े कोई नहीं। अब बट राजा है जो बड़ाई नाम की घोषणा कर दी भी संगीतकार ने बेसुरो गा तो जगान बेरोपड़ गो भाई बठीवर गई ही जना बठे तो वो ही रहे तो जो आपन ने रोक्यो हो जहाँ वो बठे जा राजकुमारी करने बोलियो मैं कर देशु राजकुमारी को इलाज इनाम मन दे दीजिए बोलियो बड़ा बड़ा विदेशों सो आएगा नीम हकीम जखाऊँ कोई नहीं हो बोलियो हाँ मैं कर देशु क्यों और दो ही मिनट में कर देशु जब इन बोलियो यहाँ है जाओ हो कोनी राजकुमारी को शरीर छोड़ बोलियो कौन जाऊँ बोलियो गाऊ के बोलियो मैं अभी उठ जाइ तो मतलब बेसुर होगा वो संगीतकार ने थोड़ा कम ही पसंद हुआ सगला बहने राम राम। मैं थारो देशी पत्रकार सुनील किसान फोक्स चैनल राजेश भाई के सागे दोस्तों मैं पूछ रहे हूँ आज शिक्कर शिक्कर के माए बालाजी नगर तो बालाजी नगर में पूछने का पीछे कारण यो रही हो कि तीजा को कुछ गायडो गीत लोक गीत वो मैं सुनियो जका गायो बाकनो और जय मैं गीत सुनियो तो आगे जाए अभी वो सावन चाल रहे है एक मायने भी वह गीता काफ़ी चाल रहे तो मैं सोचो कि क्यों ना थाने भी वहाँ रूबरू करवाओ लगभग ऑडियंस है ऐथे आन पहले हम जानो हो इसलिए जको जको जाना है मन कॉमेंट करके बतायो कि थे अन जानो तो कौन सा गाना प्रभावित हो डाओ बातचीत भी बतायो तो अब मिलावा थाने वाऊँ जका लोकगीत का शानदार गायक राम राम जी था का किसान फोकस का सारा जगह दर्शक ही बने मेरी तरफ से बहुत बहुत सावन की शुभकामना और रक्षाबंधन की भी सारा बयान बहुत बहुत शुभकामना मेरो एक ही नाम रहे हमेशा भगवान थान सब ने बनाया रखे और थे आज अगर गीता के लिए आया हो तो शायद थे कोई लहरियो उत्सव हुई हो भी मेरो लहरियो गाइड हो वो सुनियो लो जी। तो अब थे जानबो के चाहो गीता का बारा गीता का बारा गीता का बारा में यह है देखो गीत तो हर फंक्शन का उठा रहे हैं और गीता का बारा में जी लगभग औरतें भी जाने हैं आदमी भी जाने हैं कई लोग गांव में भी बहुत अच्छे हो ही ज़्यादातर के है फील्ड न औरतों को समझो जाए है कि गीत औरत गाती हुई लेकिन एक दो जना न मैं यहाँ कान जानू हूँ कि आदमी भी बहुत मीठा गाँव है जिया संजय जी मुकन गडाला ही एक मैं गैल सिंह इलेरिया उत्सव में परिचित हुई डॉक्टर नेकी राम जी आ रही है तो बड़ा अच्छा मीठा मधुर गाँव है या जानू सैद माखर निकले हैं गीता का बारा में अगर थे इतनी दूर आया हो तो एक गीत के लिए अगर आया हो तो गीत के लिए मैं थानिया बताऊँ कि गीत तो हम सुनाना ही सुनाना एक के वह कि बारह मास सो गीत हुए भी मैं बारह मास का बारा में बताएड़ो है ठीक एक यही के वह कि नक्षिक वर्णन हुआ है जो हर साहित्य में हुआ है अपना लोकगीता में भी जिया नक्षिक वर्णन को गीत हुआ है और जिया लिखित साहित्य है भी में भी नक्षिक वर्णन को गीत हुआ नक्षिक क्यों है यो बताओ नक्षिक वर्णन वो है कि जिया मतलब आप कोई की सुंदरता को चित्रण करा नख मतलब पग का नू से लेर शिर तक को भी कमान चित्रण हुए माधुरी और श्रृंगार को गीत हुए वो अपना राजस्थान में जिया वीर रस का भी बहुत गीत ही लेकिन ज़्यादातर सावण है तो सावण में तो मल्हार तो ज़्यादातर माधुरी श्रृंगार की हुए तो इक मायने में थन दो चार लाइन सुना दूँ इस प्यारो नारली सो माथो चंदा भाग लामा काला केस प्यारा चोटी बाशिक नाग बादल मैला मैं भूलिया ईसा चोपड़ पासा मैं भूलिया ईसा मारो लहरियो रुमाल लहरियो रुमाल मारे सावण रो
सिंगार चोपड़ पासा मैं भूलाईसा हो रंगरी से जा मैं भूलाईसा मारो लहरियो रुमाल नाक सुआ जेरी चाँच तीखी दांत दाड़िम का बीज आ मोतिया जो नाड़ सुराही दार हाथ गोरा मेंदिरा चे कड़िया लचका दार बादल मेला में भूलाईसा हो रंगरी से जाम भूलाईसा मारो लहरियो रुमाल इम के मतलब सिर है जो नाड़ेर की जिया है चोटी बासिक नाग की जिया है कड़िया ही जी की लचकदार ही लंबा हाथ ही फाबो लंबो उजड़ो है और सावण में झूम झूम चाल है तो मतलब लोग देखता ही रह जाए इ टाइप से एक वावार्थ हुआ है बहुत गीत तो क्या करे थे बचपन से ही सीखेड़ा ही फिर रुचि की बात है अब जी थे पत्रकार के बने मतलब रुचि की बात है भाई भाई। चरित्र चित्रण से संबंधित हुआ और रूप वर्णन इन बोल सका आप रूप इके अलावा सावण के मायने जिया हरियाली से संबंधित है लहरियो गीत है बादल को गीत है भाण भाई ने उड़ी के बिको गीत है पीर से सासरे जाबा को गीत है या जिया सासरे है सावण पूरो गो तो आपका लड़ियार ने उड़ीक बा को गीत है कि मन लेबा आ जाए गीतों को कोई पारावारी को नहीं ए तो सावण सावण का गीत है मतलब थे जाए गीत गाया ने बहुत बढ़िया गाया एक कोई किस्सो बताओ कोई है जो वो गाना रिलेटेड और तारसा के टेढ़ो छोटो सो चुटकुलो है मतलब चुटकुला से कोई बड़ी शिक्षा को नहीं मिल रहा है लेकिन गुदगुदा दे है आदमी को मन और सावण में तो गुदगुदाहट ही है तो एक संगीत का गुरु जी हुए जहाँ जखो आदमी जकी चीज पढ़ावे ना जी मैं हिंदी पढ़ाऊँ तो हिंदी के मायने बच्चों आंसर लिख लिया हुआ ना जी ए एन एस तो बहुत बुरी झाड़ा हुआ कि अठे भाई उत्तर लिख क्योंकि यह भाषा है ठीक भाई चीज इंग्लिश वाला के साथ गए हुए अगर कोई हिंदी में लिख दे तो बिन झाड़ आवे तो भी आपकी चीज से रुचि हुए तो एक बार क्या है कि एक छोटो सो चुटकुलो है कि एक संगीत का गुरु जी है जना भाई हमेशा बच्चा ने कहीं कहता छोरो गीत गार ही सारो काम करया करो जब वे बच्चा ने सिखा रहा क्यों ना छोरा बोलता पानी की छुट्टी मांगता जना भाई गीत गार ही मांगता गुरु जी गुरु जी गुरु जी पानी पियाऊं के जा गुरु जी भी को गीत गारी जवाब देता हाँ बेटा पानी पिया तो गुरु जी गाँव का ही रे बड़ा एक दिन छोरा आया जना आ रे गीत गाँव में गुरु जी हाँ जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी था काले घरा था काले घरा लाए लाग गीज थान तो सोख्यू बड़ गोणा दो चार दे दंगे डार के अठे भी थाने गणू गणू हो गेर बतायो के ये कोई नहीं तो बच्चा तो बाद श्यावे बोला हुए बाकी समझ में थोड़ी आवे कि भाई लाए लाग गीज फटाक से कहणू है पानी की छुट्टी गीत गार लेनी है ये संगीत का जानकार मतलब शास्त्रीय संगीत पर लागू है आ चीज अपना जका लोकगीत ही ने बे कोई बेसुरा को नहीं बने थे भी गास को हो राजेश जी भी गास के मैं भी गास कूँ लोकगीता में एक अल्हड़ मस्ती है बाम कोई सुर बेसुर कुछ ही कौन देखे जाए इसलिए लोकगीत ही ने जका लोक में प्रचलित थी वे जका मतलब उतार छड़ाव वाला गीत हुए ने वह तो सिर्फ संगीत का जानकार कन हुए अपना तो कोई भी गास के थे भी गास को मैं भी गास कूँ बस मस्ती का गीत ही मेहनत का गीत ही मल्हार का गीत ही सावण का गीत ही ऋतु का गीत ही त्यौहार का गीत चैनल है भी पर आने वाला गानो जो है वो कौन से के प्रकार को होगा की बात ओई गेर देशा लहरियो आसो लहरियो आसो तो गेनो गेर ना करी के अलावा जाए लहरियो आसिया और कदे भी यहाँ सोचा को नहीं कि चैनल पर के गेरनो है कदे भी ओ नियम को नहीं बनायो कि दो दिन से गेरनो है या दस दिन से गेरनो है जद टाइम मिल जाए जद मन हो जाए जना गा लिया हाँ और गेर दे हाँ इं को कोई मतलब कोई मतलब मोनेटाइज करवाएडो है या पीसा चाहिए है इं को कोई खातों को नहीं गीता ने एक जगह कलेक्ट करवा के लिए किस्तूरी मरुद्रा की महक नाम से चैनल बनायो हो और सिर्फ गीता ने इकट्ठो करवा के लिए है कोई यूट्यूब से कमाई के लिए इकट्ठा कर
कितना डाल चुका है? मेरा ख्याल से 100-110 के लगभग वीडियो ही। ज़्यादा ही सर? हाँ, याद तो कोई नहीं कंफर्म, लेकिन 100-125 का लगभग वीडियो ही डालता है। तो मेरे साबू आमाना मना कमाए हजारे को पैदे होगा ना को। आप देखो टाइम टाइम पर निर्भर है। और लगन है ना, मतलब आपने लोक गीतों के प्रति जो लगन है ना तारी भी लगन तो लगा हजारे को तो तेला को पैदा होगा। नहीं, बिम के है सुनील जी कि घरेलू जिम्मेदारियां की सबसे बड़ी बाउंड्री हुआ है औरत पर। वह जिम्मेदारी अलाउ करें ने जना ही दूसरो काम करो जाए। प्राथमिकता है जॉब ने, सेकंड नंबर पर घर परिवार है, तीसरा नंबर पर रुचि है। मतलब दबानी पड़े आ चीज़ परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि थे आयड़ा को मान रखियो और बढ़िया तरीक़े मान ए गीत ही लोक गीत जगह गा के सुनाया। और मैंने उम्मीद है कि अपना ऑडियंस ही मैं थान बिल्कुल पसंद करेंगा, थारा गाना पसंद करेंगा और कमेंट भी करेंगा, लाइक भी करेंगा, जो को थे चैनल को नाम बताया वो भी देखेंगा। यह शुभकामना का सागर करा मैं जी। नमस्ते, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामना है थारे साथ। किसान फोकस चैनल है तो किसाना को भी है, और किसान तो हर जाति के लिए ही, हर कौम के लिए ही किसान ने, तो किसान ने कमाए ने लास्ट में ने अन्न को है, तो अन्न से आप खावा, इसलिए किसान फोकस चैनल है। बिन मेरी भी सबसे रिक्वेस्ट है कि देखता रहिजियो नई नई चीज़ें ही, जगह देशी पत्रकार आपने सुनील जी ले रहा हूँ था के लिए, तो था को साथ प्यार सम्मान मान सब बनाई रख। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते।